बंद कमरों के फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बंद कमरों के फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बंद कमरों के फैसले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बंद मातरम, बंद मातरम, बंद मातरम, बंद मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमने जो इनसे बात की है वही आपको ही बता रहे हैं। यार आगे मत जाओ ज्यादा, सिर्फ दो गुजारिश की है आपसे। ये इधर साइड आइए, साइड प्लीज थोड़ा साइड होइए। हम यहां से डायरेक्टली इनको लेके जो कंसर्न पार्टनर से वहां जाएंगे। दूसरा, हमने सरपंच साहब को अपनी जुबान दी है, आपके सामने देखो हमारे मीडिया के भाई बहन है, इधर सब इधर है, पीछे शोर नहीं मचा कि हम आपके PRIs जो आपके सरपंच चुने हुए आपके लोग हैं, इनकी अगले ही हफ्ते में एक मीटिंग किसी साहब के वहाँ पे कन्वीन कराएंगे, जिसमें आपके सारे इश्यूज ये डिस्कस करेंगे। कोई एम्बुलेंस इस वक्त हनुमान चौक पे रुकी है, कोई एम्बुलेंस इस वक्त दुमनी बन रही है, एम्बुलेंस हम नहीं रोकेंगे यार, उसको निकालेंगे अगर एम्बुलेंस आती है। कि हमें ये मौका दें, अपने PRIs के ऊपर भरोसा रखें, आपका ये मसला जो है सही लेवल पे सही जगह पे चला जाएगा आज ही, और आपकी मीटिंग अगले ही हफ्ते में जरूरत पड़ने पे मैं खुद SDM साहब खुद उनको लेके जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, सबके सामने है। आप सब मुझे जानते हैं, मैंने आपकी पंचायतों में जाके भी मीटिंग की है, सरपंच साहब मेरे साथ है, आज तक कोई भी ऐसा इशू हुआ जो आपने मेरे पास लाया और हमने उसके ऊपर गौर न फरमाया हो? ये नहीं, अपने PRIs के ऊपर भरोसा उनको लेके हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके उनकी मीटिंग एक हम कन्वीन करवा रहे हैं। आप हमें ये मौका तो दें, आप ये अपने सरपंचों पे रखें, यही आपको बताएंगे। और एक आश्वासन उनको 3 दिन के लिए दिया गया है कि 3 दिन के भीतर ये इन लोगों की आवाज़ जो है संबंधित यानी डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचाएंगे, जिस आश्वासन के बाद अगर लगता है कि ये प्रदर्शन जो है वो ख़त्म किया जाएगा। अभी भी कुछ असमंजस यहाँ पर बनी हुई है, कुछ लोग इस फैसले से अभी भी सहमत नहीं हैं, जिस वजह से पूरे रूप से अभी तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग खुला नहीं है। PRIs जो हैं चुने हुए नुमाइंदे लोगों को ज़रूर ये आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत हो गई है और एक सकारात्मक आश्वासन जो है SDM अखनूर और SDP अखनूर की तरफ से दिया गया है कि इन लोगों की तमाम सारी मांगें जो हैं जहां पहुंचाई जानी चाहिए यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के उच्चतम स्तर तक, वहां पर इनकी बातों को पहुंचाया जाएगा। और 3 दिन का समय इन लोगों से मांगा गया है कि 3 दिन के भीतर इनके चुने हुए नुमाइंदों को भी जो है DC जम्मू के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, ताकि जो भी इनके मसले हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन तमाम मसलों को जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा सके, जिसके ऊपर तमाम जो फैसले होने हैं।
लंबे समय तक जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद रखने के बाद आखिर जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार एसडीएम अखनूर और एसडीपीओ अखनूर यहां पर लोगों के बीच पहुंचे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों को आश्वस्त किया गया है कि आने वाले 3 दिन के भीतर जो है इनकी डिमांड्स जो हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन के हायर लेवल तक पहुँचाई जाएंगी ताकि उनकी समय रहते उनका हल किया जाए। हमारे साथ मौजूद है एसडीएम अखनूर, हम इनसे सीधी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके ऊपर क्या फैसला हुआ है। सर, काफ़ी लंबे समय से ये राजमार्ग बंद था, इन लोगों की जेन्युइन डिमांड है कि मेरा मांदरा चौकी चौरा को वापस अखनूर के साथ जोड़ा जाए, क्या आश्वासन जिला प्रशासन की तरफ से आपकी तरफ से दिया गया? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं हुई है रिपोर्ट। तो इनको हमने यही बोला कि जो भी आपके मसले हैं वो हमें आप एक मेमोरेंडम के शेप में दे दें, हम उनको हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचा देंगे। प्लस हमने इनको ये बोला है कि नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज में हम डीसी साहब से बात करके जो भी मुनासिब वक्त वो देंगे सब सरपंचेस की उनके साथ मीटिंग करवा। सर, इन लोगों का ये कहना है कि कल आखिरी दिन है इनकी ऑब्जेक्शन फाइल करने का, ऐसे में 2-3 छुट्टियां भी बीच में आ गई, क्या समय रहते इनकी डिमांड्स या इनकी जो ऑब्लिगेशन थी क्या वो हायर लेवल तक पहुंच जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आज ही ये जो मेमोरेंडम देंगे हम आज ही शाम को डीसी ऑफिस पहुँचा देंगे। धन्यवाद। से चल रहा गतिरोध, एक बड़ा प्रदर्शन जो है आखिरकार वो समाप्त हो चुका है। लगभग पिछले 2.5 घंटे से यह प्रदर्शन यहाँ पर जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा था, जहाँ पर लगभग 18 के करीब सरपंचों और उनके साथ तमाम पंचों और लोगों ने आज इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया था, जिनकी मांग थी कि मैरा मांदरा और चौकी चौरा, जिसको डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट में खोड़ के साथ जोड़ा गया है, उसको वापस अखनूर के साथ जोड़ा जाए। अब समय रहते जो है जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम अखनूर और एसडीपीओ अखनूर जो है इन लोगों के बीच में पहुंचे थे, जिन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि समय रहते यानी कि आज ही जो है इनकी जो डिमांड्स है उसका मेमोरेंडम डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचाया जाएगा और आने वाले 3 दिन के दरमियान जो है इनके तमाम जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन लोगों की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग होगी ताकि इनकी जो भी मांगे हैं वो सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई जाए और जिनका हल किया जाए। उन तमाम आश्वासनों के बाद आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दोनों तरफ से अब रोड जो है यातायात के लिए खोल दिया गया है और प्रदर्शन जो पिछले काफ़ी समय से इतनी तपती गर्मी में सैकड़ों की तादाद में लोग मेरा मांदरा चौकी चौरा से यहाँ पर आए थे, वो रास्ता जो है अब खोल दिया गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में कि ये आंदोलन क्या रुख लाता है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस और जो इनके सुझाव थे वो तो मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने भी डिलिमिटेशन कमीशन को दिए थे, लेकिन उस पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। अब देखते हैं कि क्या जब ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट लोगों के डोमेन में आई है, पब्लिक डोमेन में आई है, क्या इनकी बात जो है डिलिमिटेशन कमीशन के कानों को खोलती है या एक बार दोबारा इन लोगों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। आप लोग देखते रहें जेके टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।